कॉम्बिनेशन हम किस टाइप से कर रहे होते हैं। जैसे एक लेंस हमने यहाँ पे कंसीडर करें और एक दूसरा लेंस डॉटेड शो कर रहा हूँ, क्या मैं उसको थोड़ा सा डॉटेड शो कर, तो यहाँ ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है। अब कोई भी आपने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, तो सीधी सी बात बेटा उसकी इमेज यहाँ पे बने। देखो अगर ये होता हमारे पास अकेला लेंस होता, अकेला लेंस होता, तो यहां से रेज यूं जाती और फिर यहां इस पे मीट करके ऐसे यहां पे इसकी ये इमेज बनती कि नहीं बनती, ठीक है। तो उसके लिए जो हम फॉर्मूला लिखते ये यू हो जाता हमारे पास और ये वी हो जाता, ठीक है। लेकिन रियल सिचुएशन नहीं है ये, तो मैंने क्या लिख दिया, वी डैश लिख दिया और ये इसकी एफ वन फोकल लेंथ मान दिया हमने इसे। तो इसके लिए जब आप लेंस फॉर्मूला लिखोगे तो वन बाई वी डैश माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू क्या हो जाता, वन बाई एफ वन हो जाता। क्लियर है बेटा, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों लेंस हैं, रियल सिचुएशन में दोनों लेंस हैं ये, ठीक है, दोनों लेंस का कॉम्बिनेशन कर रखा है, तो क्या होगा कि ये जो रे आ रही है ये ऐसे आ रही है, मींस ये क्या करेगी इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, है ना। मींस इसकी जो पोजीशन ऑफ इमेज है, पहले वाले की जो पोजीशन ऑफ इमेज है, दूसरे लेंस के लिए किसका काम कर रही है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। क्लियर है बात, ठीक है। तो उसकी जो इमेज बनेगी वो कहीं दूसरी पोजीशन पे जाके बनेगी, जो नेट इमेज बनेगी वो दूसरी पोजीशन पे जाके बनेगी। मींस ये हमने रियल पोजीशन मान ली, क्या है, वी है। क्लियर बेटा बात। तो अगर आप इसकी दोनों की कंबाइंड का, जब इसका क्योंकि ये इसके लिए वर्चुअल का काम कर रहा है, तो इसका अगर आप लेंस की इक्वेशन बनाओगे तो क्या आएगा, वन बाई वी माइनस वन बाई यू। यू क्या है, वी वन है, वी डैश है, क्योंकि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने, वी डैश लिख दिया, इज इक्वल टू वन बाई में एफ टू हो जाए, ठीक है। अब हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, ऐड कर दो दोनों को, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाई वी माइनस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ वन प्लस में वन बाई में एफ टू। क्लियर बेटा बात, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपने नेट फोकल लेंथ फाइंड आउट कर ली, मींस इन दोनों की जो कंबाइंड अफेक्टिव जो फोकल लेंथ आई है वो कैसे आएगी, 1 by f1 plus में 1 by में f2 के हिसाब से। क्लियर है बात, ठीक है। मींस जो फोकल लेंथ, जो पावर है, ये क्या है, एक्चुअल में पावर है कौन से लेंस की, पहले लेंस की। ये कौन सी है, पावर है कौन से लेंस की, सेकंड लेंस की। मींस एक्चुअल में इसके अंदर जो पावर है उसका कॉम्बिनेशन हो रहा है। अगर ये n होते हमारे पास तो क्या लिख देते, p1 plus p2 up to में pn हो जाता है। समझ गए बेटा बात, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना आपने कि जो मैग्निफिकेशन है जो m है वो प्रोडक्ट में होगी, यहाँ पे m1 into m2 into m3 into में इस टाइप से मैग्निफिकेशन ऐसे होगी। लेकिन जो पावर है वो पावर सिंपली ऐड हो रही है, फोकल लेंथ इस टाइप से 1 by f1 करके ऐड हो रही है। क्लियर है बेटा बात, ठीक है। अब एक बात देखो कि जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस की वो हमेशा क्या मान के चल रहे हैं, डाउन पॉजिटिव मान के चल रहे हैं, और फोकल लेंथ ऑफ कन्केव की हम क्या मान के चल रहे हैं, नेगेटिव मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर्स होंगी वो भी क्या होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप चश्मे का नंबर पूछते होगे कितने नंबर का चश्मा है, है ना, प्लस फोर माइनस फोर प्लस थ्री माइनस थ्री इस टाइप से, है ना। तो वो सारी चीजें इसके रिगार्डिंग ही होती हैं कि फोकल लेंथ है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पावर है उसके हिसाब से। मीन्स प्लस कहते ही आपके माइंड में क्या आएगा कि भाई कन्वेक्स लेंस लगा हुआ है, माइनस का आया तो इसका मतलब कौन सा लेंस लगा हुआ है, यहाँ पे कंकेव लेंस लगा हुआ है, ठीक बेटा बात। अच्छा,
अब उसके बाद देखो, जैसे आप इनको मतलब एक कन्वेक्स लेंस लगा दिया, एक कनकेव लेंस लगा दिया, एक कन्वेक्स लेंस लगा दिया कॉम्बिनेशन में, एक कनकेव लगा दिया, मींस जो पावर है, पावर जो अफेक्टिव होगी वो क्या हो जाएगी, P1। दूसरा मान लिया कनकेव है तो हम क्या लगा देंगे वहां पे, माइनस P2। समझ के बाद, मींस जो 1 बाई एफ अफेक्टिव होगा वो क्या हो जाएगा, 1 बाई एफ वन माइनस में 1 बाई में एफ टू हो जाएगा। तो इस टाइप से ये हमारे पास पावर का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन हो जाएगा, क्लियर है। जैसे अब आप न्यूमेरिकल करते हो इसके ऊपर, ये मान लिया हमने कि एक लेंस ये, ठीक है, और दूसरा लेंस ये, इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 15 सेंटीमीटर और इसकी फोकल लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, 30 मान लो, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाए, ठीक है, F1 हमने 30 और 20 मान ली, तो नेट जो अफेक्टिव फोकल लेंथ है वो निकालनी है आपने, तो क्या करेंगे, F अफेक्टिव क्या होगी, क्या मतलब F1 F2 डिवाइड बाय में, F1 प्लस F2 डिवाइड बाय में F1 F2 आ जाएगी, जैसे रेजिस्टेंस का आपने किया, तो अफेक्टिव क्या आ जाएगी, 30 इनटू F1 F2 डिवाइड बाय में F1 प्लस में F2 हो जाएगा, ठीक है, तो 600 डिवाइड बाय में कितना आ जाएगा, क्लियर बात, ठीक है, तो ये अफेक्टिव फोकल लेंथ है उसके कोर्स में। अब इसकी पावर निकालनी है आपने, तो पावर क्या हो जाएगी, 1 बाय 12, ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो लेंस का, मींस इस टाइप से ये हमारे पास लेंस है कोई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू दे रखी, बेटा मान लिया 1.5 दे रखी, और इसकी जो रेडियस दे रखी है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, मतलब हमने मान लिया कि 20 सेंटीमीटर दे रखी, ठीक है, मीटर मानना है मीटर, सेंटीमीटर मानना है सेंटीमीटर, मीटर मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर बेटा बात है। तो अब उसके हिसाब से इसकी फोकल लेंथ आप फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, कर सकते हो इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट। तो यहाँ 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू म्यू टू वन, है ना, तो ये म्यू टू है और वन किसका है, एयर का, जो भी मतलब सराउंडिंग में जिसके है, अगर ये पानी में रखा होता तो, मतलब जो भी सराउंडिंग में हमने मान के चले गए हम, तो यहाँ पे 1 बाई एफ क्या आ जाएगा बेटा, म्यू टू वन, मींस ये एयर के रिस्पेक्ट में ही दे रखा होता है, तो यहाँ पे म्यू टू वन लिख दिया माइनस वन वन बाई आर वन, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, ये जो आप लिखोगे ये विद देयर साइन कन्वेंशन लिखोगे आप, आर वन आर टू जो भी लिखोगे आप विद देयर साइन कन्वेंशन लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा गया है तो ये वन हो गया, ठीक है, तो वन बाई जो आर वन लिखोगे वो क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से इंसिडेंट रे होगी, तो ये क्या आएगा, वन बाई में 20 आ जाएगा, माइनस 1 बाई आर टू, है ना, आर टू, तो ये वाली जो होगी रेडियस, ये इस साइड से ऐसे मापेंगे हम, तो ये अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ होगी, तो माइनस 1 बाई में माइनस 20 आ जाए, समझ के बात, ठीक है, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, ठीक है, तो कितना हो गया, 1 बाई टू, 1 बाई टू लिख गया, ठीक है, 1 बाई 20 ये प्लस का हो गया, तो कितना हो गया, 2 बाई 20 हो गया, तो F कितनी आ जाएगी बेटा, मीटर में तो मीटर आ जाएगी, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर, ठीक बेटा बात, क्लियर है। तो इस साइड से आपने फोकल लेंथ का, अब जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है,
इस साइड से, है ना, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दे दिया मिल्की वे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दे दिया, मान लिया, ठीक है। तो यू पूछ लिया कि कैलकुलेट दी और रेडियस आर, सभी की आर हमने 20 मान ली, ठीक है, है? हाँ, दोनों 20 मान ली, एक की 30 भी हो सकती है, एक की 20 भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये पूछ लिया कि फोकल लेंथ बताओ कितनी होगी, जो अफेक्टिव फोकल लेंथ होगी, नेट फोकल लेंथ होगी, वो कैलकुलेट करके बताओ कितनी होगी। करो कैलकुलेट, कॉपी पेन निकाल, स्टॉप, ये वाला क्वेश्चन तो सेम हो गया इसके साथ, है ना, म्यूचुअल 1.5। अब इसका रह गया, तो यहां 1/f निकालोगे तो वो किसके इक्वल आएगी, μ21, है ना, μ21। इस μ21 की वैल्यू कितनी है, यहां पे 2 है, ठीक है, ये ऑलरेडी मेजर करके रखा हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, ये एयर के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। कहीं आप μ21 को लिखो μ2/μ1, 2/1.5 ऐसे नहीं लिखना आपने, ये ऑलरेडी मेजर करके रखा हुआ है, तो μ21 माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहां पे 1 बाय में R1 कितना 20 ले रखा हमने, तो इसी के पैटर्न में हो जाएगा ये, तो 1/20 प्लस क्या आ जाएगा, 1/20 आ जाएगा, ठीक है, तो 2-1 हो गया। तो अब 1/f किसके इक्वल आ गया, 1/20 प्लस 20 मींस कितना आ गया, 2/20, तो f कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है, f कितना आ गया, 10 आ गया। अब अफेक्टिव जो फोकल लेंथ होगी 1/f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये f1 मान लिया हमने, ये f2 मान लिया, तो 1/20 प्लस में 1/10 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, 21 प्लस 2, तो जो फोकल लेंथ आई वो कितनी आई बेटा, 20/3 आ, और जो पावर आएगी वो कितनी, पावर आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 3/20 आ, क्लियर है बात, ठीक है। तो इस टाइप से आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब ये जरूरी नहीं है बेटा, इसके दो रखे बेटा, इसमें एक यहाँ पे वाटर फिल किया हुआ है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 मान लिया, तो ये वाला क्वेश्चन तो क्या हो गया, इसके अंदर भी सेम हो गया, है ना, इसके इसकी कितनी आई फोकल लेंथ, 20 आई फोकल लेंथ इसकी। अब इसकी और निकाल लो, तो इसकी कितनी आ जाएगी, 1/f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4/3-1, 4/3-1 कितना आ गया, 1/3 आ गया, ये कितना आ गया, 1/20 आ गया, माइनस 1/ ये, है ना, इसकी रेडियस कितनी होती है, इनफिनिटी होती है, 1/∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये बच गया, ठीक है, तो कितना आ गया, ये फोकल लेंथ कितनी आ गई, 60 आ गई। तो जो अब 1/f आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/60 प्लस में 1/20 थी, तो ये क्या आ जाएगा, 60 आ गया, तो 1 प्लस में 3, तो 4/60 कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, है ना, तो इसकी जो अफेक्टिव फोकल लेंथ आएगी वो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी, 1/f आ जाएगी। एक क्वेश्चन इस टाइप से कंसीडर करते हैं, ये है, ठीक है, और ये मान लिया यहां पे रेडियस कितना बेटा, 20 है, और म्यू कितना मान लिया हमने, 2 मान लिया, इसका म्यू 1.5 मान लिया, और इसका म्यू 4/3 मान लिया, ठीक है, मींस ये यहां पे और कुछ भरा हुआ है, यहां पे और कुछ भरा, ठीक है। तो इस साइड से इसकी नेट फोकल लेंथ आपने फाइंड आउट कर, अफेक्टिव फोकल लेंथ फाइंड आउट करो, ट्राई कर दिया, पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं बेटा, पहले पार्ट को आपने सॉल्व किया, ठीक है, मींस यहां पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट कंसीडर करके चल रहे हो, किसी भी साइड आप ऑब्जेक्ट मान के चल सकते हो,
ठीक है, हमने यहाँ पे मान के चला अफेक्ट रिजल्ट जो आएगा वो सेम आएगा। तो इसके रिस्पेक्ट में आप जब पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो ये हो गया कुछ, इसका म्यू कितना हो गया 4/3 और इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी 20 होगी, है ना। तो अब जो 1/f आएगी वो किसके इक्वल आएगी, म्यू माइनस 1 4/3 - 1, ठीक है। 1/r1 पहला सरफेस ये है तो इसकी क्या हो जाएगी 1/∞ माइनस ये है सेकंड, ठीक है। तो इसकी क्या होगी बेटा, ये रेडियस होगी ना इसकी, तो यहां से मेजर करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से, जब आप मेजर करोगे इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है तो क्या आ गई माइनस आ गई, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा 1/20, किस तरह माइनस का माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, तो 1/f कितना आ गया 1/3 1/20, तो f की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 60, ठीक है। अच्छा इसमें जो सेकंड पोर्शन है, इसमें जो सेकंड पोर्शन बचा तो 1/ इसको f2 मान लो बेटा, इसको f1 मान लिया हमने, ठीक है, इसको सेकंड पोर्शन में f2 मान लिया, तो म्यू माइनस 1, ठीक है, 2 - 1 इसका म्यू 2 है जो 2 - 1 हो गया। 1/r1 यहां पे है तो ये माइनस की होगी तो कितना आ गया माइनस 20 माइनस 1/ में ये होगी ना, आप बार ऑब्जेक्ट ऐसे है तो यहां से मेजर करोगे तो डायरेक्शन सेम होगी तो पॉजिटिव आ जाएगी वो, तो 1/ में 20, ठीक है। तो 1/f2 कितना आ गया बेटा माइनस 2/20, तो f2 की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 10, f2 की वैल्यू कितनी आई माइनस 10। अब सिमिलरली f3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, कितनी आ जाएगी f3 म्यू 1.5 - 1, मींस ये है कुछ पोर्शन इस टाइप से, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपने इसी साइड मान रखा है, तो अब जो ये आएगी ये पॉजिटिव आएगी, ठीक है, यही वाला केस हो गया है ना, यही वाला केस हो गया, तो कितनी आ जाएगी यहां पे 1/ में 20 आ जाएगी। दूसरा रेडियस क्या होगी इंफिनिटी होगी इस केस में, तो यही बच जाएगा, तो कितना हो गया ये f3 1/2 1/2 में क्या आ जाएगा 1/20, तो f1/f3 था नहीं, तो f3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ठीक है। तो जो कंबाइंड आएगी वो कितनी आ जाएगी f effective कितनी आएगी f1 60 1/ 1/ f effective आएगी ना माइनस 1/ 10 कितना आ रहा है 10 प्लस फिर प्लस 1/ में 40 आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करने लग डा कितना आ जाएगा ये 120 आ गया इसमें, तो 2 माइनस 12 प्लस 3 आ, है ना, तो ये 1/ f effective आया है, तो f effective कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाय में कितना बेटा 7 माइनस का तो माइनस का 17 - 14, क्लियर है बेटा बात, ठीक है, पावर है तो अल्टीमेटली वो होती है।